हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है मेरा एनएस 200 2022 मॉडल, और मैं ये जो बाइक लिया था प्रियोन 2023 पे लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुका था उस टाइम पे। 10,000 के आसपास था, और अभी जो है ऑलमोस्ट 20,000 होने वाला है, 19,500 के आसपास हुआ है गाड़ी को। सो जब मैंने लिया था अच्छे डील में मुझको मिला था गाड़ी, एंड यू कैन से कि 1.10 ऐसे करके उसमें ये बाइक मिला। उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन गाड़ी जो है अच्छा कंडीशन पे मिला था। इधर जो है LED इंडिकेटर मिला था। सो ये जो है बेसिक गाड़ी के बारे में। सो अभी मैं आता हूँ गाड़ी का मतलब रिव्यू। जो अभी मेरा ये NS 200 है, TT में आई कैन गेट अराउंड 35 to 37, एंड हाईवे पे ऑल्सो आई गेट अराउंड 40-41 ऐसे करके। जो इससे मैं पूरी किया था, पूरी में एक बार ही मुझको 41 के आसपास मिला था, नहीं तो 39-40 ऐसे करके मिला था। मैं उतना रेस ड्राइविंग या इनिशियल में ज़्यादा ऐसे करके खींचता नहीं हूँ, फिर भी मुझको सिटी पे 35 प्लस ही मिलता है, मतलब 35 से 38 के आसपास। और गाड़ी का मैं मतलब बजाज का गाड़ी, थैंक्स टू बजाज एक्चुअली, मतलब उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है। जब मैंने लिया था उस टाइम पे एयर फिल्टर, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, एंड ये जो एक्सेलेटर केबल, क्लच केबल, ये सब चेंज किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 7,000 या 8,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने जो है मतलब एयर फिल्टर, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, एंड ऑल्सो सम लाइक ये तो चीज़ मैंने चेंज नहीं किया था। और मेरा जो है इंजन ऑयल मैं 4,000 या 4,500 किलोमीटर के इंटरवल पे मैं चेंज कर देता हूँ। मोटूल 10W50 जो 7100 फुल सिंथेटिक आता है वो डालता हूँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले लेता हूँ, मतलब अच्छे डील पे अराउंड 1,000 रुपीज़ के आसपास 1.5 लीटर आ जाता है। जो मैं 1.2 इसका जो इंजन ऑयल का कैपेसिटी है वो डालता हूँ, एंड जो मतलब 300 ml माल जाता है वो टॉप अप करने में चला जाता है। सो लगभग 4,000 to 4,500 के आसपास मैं जो है इंजन ऑयल ड्रेन कर देता हूँ। और इधर मोटोकूल का कूलेंट है जो प्रीवियस ओनर ही मतलब डाल के दिया था, तो इसको भी मैं चेंज करूँगा जब 25,000 मैं किलोमीटर चला रहूँगा उस टाइम पे। एंड ऑल्सो एपेलो ट्रम्पलर का टायर, ये जो है ये रेडियल नहीं है, ये वाला रेडियल है, एंड इसका भी फीडबैक अच्छा ही है। ये दोनों सेट मुझको मिला था अराउंड 5.5 के आसपास, मतलब 5.5 से कम में मिला था ये दोनों टायर। एंड ये जो सस्पेंशन रियर का जो शॉक है, ये बजाज का जो मतलब BS6 जो बजाज का बाइक होता है उसमें 5 साल का वारंटी आता है। सो वारंटी पे ये चेंज हुआ था क्योंकि ये दब गया था, क्योंकि जब मतलब प्रीवियस जो ओनर के पास था गाड़ी, उस टाइम पे गाड़ी मतलब एक साल मतलब गाड़ी जब मैंने लिया था 1.5 साल का उम्र पे गाड़ी, मतलब गाड़ी का एज था, और गाड़ी ऑलमोस्ट 6 मंथ ओनर के पास पड़ा हुआ था। तो शायद वो वजह से या दूसरे कोई वजह से जो सस्पेंशन रियर सस्पेंशन था वो दब गया था, तो उसके वजह से ये चीज़ चेंज हुआ था, लेकिन ये वारंटी पे चेंज हो गया था। एंड ऑल्सो आई यूज दैट रोल ऑन चेन स्प्रॉकेट, एंड इसका भी जो है फीडबैक अच्छा ही है। अराउंड मैंने जब लिया था उसके बाद 1,000 किलोमीटर चला, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था। सो जो ये रोल ऑन का नॉइस फ्री चेन आता है 16,050 रुपीज़ के आसपास मिला था रोल ऑन का वेबसाइट से, वो चीज़ मैंने लिया था। थैंकफुली दैट चेन आई डिडेंट गेट एनी नॉइज फ्रॉम चेन, सो दैट द थिंग, मतलब चेन से उतना कुछ आवाज़ नहीं आता है जो नॉर्मल टिपिकली बजाज का बाइक से आता है, सो दैट इज द थिंग। एंड ऑल्सो ये लुविया का क्रैश गार्ड भी मैंने लगाया, मतलब उतना कुछ काम का नहीं है, बट लुक के लिए ही लगाया। इसका 5,500 के आसपास आया था प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस 7,500 से 7,750 के आसपास आता है, लेकिन कुछ ऑफर वगैरह चल रहा था सामान सेल, उस टाइम पे मैंने लिया था 5,500। ये देखो लुविया का ब्रांडिंग इधर भी है, तो ये चीज़ मैंने लिया था 5,500 के आसपास। ये जो क्रैश गार्ड मैंने लिया था 4,000 के आसपास, 3,900 इसमें। एंड ये जो है कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड है, इसका प्राइस आया था विथ स्टे, ये मैंने लिया था 2,200 पड़ा था। एंड
ऑल्सो आई इंस्टॉल दैट KTM ड्यूक हैंडल बार, इसका भी प्राइस आया था लगभग 3000 के आसपास। सो ये है टोटल मॉडिफिकेशन एंड गाड़ी भी ठीक ठाक है, मतलब यू कैन से कि जब 7000 RPM पे मेरा गाड़ी 100, 103, 104, 105 ऐसे चलता है, बट 7000 RPM पे मतलब एकदम ठीक ठाक चलता है गाड़ी, मतलब उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है कि आप चला नहीं पाओगे, बट हाँ 8 से 8500 RPM तक हो जाएगा, मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट 120 प्लस 125 ऐसे करके जाएगा, ओडो पे रहेगा, मतलब किलोमीटर का जो मीटर है उसमें रहेगा 120 प्लस, उस टाइम पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको फील होगा ये टैंक का साइड से, फुट पेक से, हैंडल से तो मिलेगा ही क्योंकि हैंडल बार मैंने चेंज कर दिया था तो इसके लिए। सो बट यू इफ़ यू मीन्स क्रूजिंग एट 100, 105 ये जो बाइक है ये इजीली कर पाएगा, क्योंकि जो पूरी का एक स्ट्रेच आता है 100 से मतलब 120 किलोमीटर मैंने एकदम 7000 RPM पे मैंने चलाया 100, 105 ऐसे करके, सो कुछ दिक्कत उतना नहीं दिया। सो दैट द थिंग, ये है NS200 BS6 का एक छोटा सा रिव्यू, एंड इधर जो सिंगल चैनल ABS आता है तो इसके वजह से अगर गड्ढे पे आप जाएगा गाड़ी, लेकिन हालांकि मेरा जो दोस्त अग्नि एंड दीपन का भी बाइक है उसका डुअल चैनल ABS है उन दोनों के पास, इससे पहले मेरा भी RC390 था उसमें भी डुअल चैनल ABS था, उसमें भी ये प्रॉब्लम आता था कभी, मतलब गड्ढे से आप जाओगे तो उसके बाद ब्रेक अप्लाई करोगे ब्रेक थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ये सिंगल चैनल पर थोड़ा ज़्यादा आता है, बट डुअल चैनल पर भी होता है, बट हाँ सिंगल चैनल पर थोड़ा ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम, ये है चीज़ है जो सिंगल चैनल ABS है, अगर डुअल चैनल देता तो अच्छा होता, बट हाँ ये जो बाइक है मतलब जो प्राइसिंग में आता है अगर आप PNB लेना चाहते हो तो मतलब आपको ठीक ठाक अगर बाइक मिल जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, एंड बजाज का जो एक चीज़ है जो सर्विसिंग कॉस्ट एंड ऑल्सो PSPR पार्ट्स का जो कॉस्ट है वो कम होता है, तो उसके लिए उतना आपको दिक्कत नहीं होगा आफ्टर, मतलब सर्विसिंग मतलब आफ्टर सेल जो सर्विस आता है उसमें, जो मेरा सुजुकी का स्कूटी है मतलब इससे ज़्यादा उसका जो है सर्विसिंग कॉस्ट आ जाता है कभी कभी, सो यही बात है। और मैंने AMC ले रखा है अराउंड 1200 के आसपास आ जाता है वो AMC, जिसमें 3 सर्विस मिल जाता है, जो पेट वाला सर्विस होता है एंड 2 वॉश एंड ऑल्सो 5% स्पेयर पार्ट्स पे डिस्काउंट एंड 7% या 10% जो लेबर कॉस्ट है उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। सो दैट इज़ द थिंग, ये एक छोटा सा एक रिव्यू जो मैंने ये बाइक पे फेस किया हूँ वही चीज़ मैंने बोला। और ये जो टायर मैंने चेंज किया था, ये टायर चेंज करने के बाद ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4.5 हज़ार चला लिया गाड़ी, बट इसका भी रिव्यू मतलब ठीक ठाक है। सो एपेलो का जो ट्रैम्पलर अगर आप लोगे तो यू कैन ईजिली गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं देगा। सो ये एक छोटा सा रिव्यू है, अगर इससे रिगार्डिंग और भी कुछ आप लोग को मतलब जानना है तो कमेंट कीजिए। सो या चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। और ये देखो, ये मतलब इससे पहले मेरा स्कूटी का भी मैंने जो रिव्यू वाला सीन है इधर किया था, एक मतलब अच्छा स्पॉट मिल गया वीडियो करने का। या चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।